studies class. Okay, now today we will start new chapter, and that chapter is quadrilaterals. After completing the congruent triangle, we will start the chapter quadrilateral. Okay, so in quadrilateral you have already studied in lower classes the types of quadrilateral, but I will going to recall all the things. Okay, so first of all, what is quadrilateral? A quadrilateral is a bounded figure, a closed figure, you can say closed figure having four sides. ठीक है, closed figure having four sides is called quadrilateral. Okay, now the types of quadrilateral. Quadrilateral के जो types होते हैं, types of quadrilateral आपने पढ़े हुए हैं. ठीक है, types of quadrilateral में देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा parallelogram. ठीक है, parallelogram. दूसरा होता है trapezium. Next is, and third is called kite. ठीक है, अब parallelogram जो होता है वो आपने parallelograms देखे हुए हैं, पहले भी आप इस lower classes में पढ़ चुके हैं parallelogram के बारे में. लेकिन parallelogram के कुछ यहां पे types हैं, जैसे यहां पर आएगा आपका rectangle, special type of parallelogram, rectangle, square, and third one is rhombus. Okay, तो ये हो गए आपके ये. अब trapezium जो आपने देखा होगा, trapezium दो type के होते हैं, इसमें non parallel sides होते हैं, इसमें 90 degree नहीं होते, ये parallel sides होते हैं. तो trapezium को बताने के लिए हमें ये बताना जरूर पड़ेगा कि ABCD is a trapezium, then which side are parallel? Only two sides are opposite sides are parallel in the trapezium. और सम एक और trapezium type का होता है, जैसे ये वाला type का होता है, यहाँ पर एक angle 90 degree का होता है, यहाँ पर 90, ये parallel है इसके, तो इस type के भी trapezium होते हैं. Kite में क्या होता है? Kite में ये इस type का figure बनता है, kite में, जिसमें यहाँ पर ये side इसके बराबर होती है, ये वाली side इसके बराबर होती है, और एक diagonal जो होता है वो perpendicularly bisect कर रहा होता है, मतलब ये वाली side जो होती है ये इसके बराबर होती है. जैसे ये A B C D है quadrilateral, तो BO is equal to OD होगा, but AO is not equal to OC. ठीक है, so this is the kite. ये भी एक quadrilateral है, इसके बारे में तो हम कभी कहीं जरूरत पड़ेगी competitive examination के questions में तो यहाँ पढ़ेंगे. बाकी आपको जो कुछ भी पढ़ना है वो इनमें parallelogram और trapezium में ही पढ़ना है. ठीक है, समझ में आया आपको? Now student, let us know what is the parallelogram. इसके पहले भी आपने study classes में parallelogram के बारे में पढ़ा हुआ है. तो parallelogram क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. Parallelogram, a quadrilateral in which opposite sides are parallel and equal. Okay? तो यहाँ पर parallelogram में opposite sides जो होती हैं, ये parallel होती है और equal होती है, ऐसा quadrilateral जिसमें ये जो अपोजिट साइड, जैसे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इसमें क्या होगा, ए बी ए डी इज पैरेलल टू बी सी होगा, एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों साइड पैरेलल भी होती है. और इसमें अभी जो थ्योरम्स होंगे वो हम पढ़ेंगे कि इनके जो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. ठीक है, इनके जो एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स ये बराबर होते हैं, यहाँ वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये एडजेसेंट एंगल्स का जो सम, एडजेसेंट एंगल है, ये कंसेक्यूटिव एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है. ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज रेक्टेंगल. अभी एक रेक्टेंगल के बारे में भी पढ़ना है आपको. रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री. तो रेक्टेंगल जो होता है उसमें एक एंगल 90 डिग्री होने का मतलब ये हुआ कि अगर पैरेललोग्राम में ये एंगल 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा.
ठीक है, और ये दोनों का सम 180 होता है, तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो रेक्टेंगल होगा, तो यहां 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, ये 90 डिग्री होगा। तो रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, से ही रेक्टेंगल की डेफिनेशन पूरी हो जाती है। सो रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, ठीक है, बट द एंगल्स आर ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, एंड ये जो डायगोनल्स होते हैं इनके, ये बराबर होते हैं, मतलब AC इज इक्वल टू BD, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये सब चीजों के प्रॉपर्टीज आपने पढ़े हैं पैरेललोग्राम के। इसके बाद आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो वो एक स्क्वायर कहलाता है, मतलब इसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD होगा। अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये पैरेललोग्राम भी होगा, और पैरेललोग्राम होने की वजह से ये साइड इसके पैरेलल होगी, ये साइड इसके पैरेलल होगी, ठीक है, और ऑल द एंगल्स विल बी 90 डिग्री एंड डायगोनल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है कि ये जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक करते हैं, तो ये है स्क्वायर। एंड लास्ट है आपका ये रॉम्बस, ठीक है, तो रॉम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये देखिए, ये है एबीसीडी, इसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू ABCD, इसके जो डायगनल बराबर होते हैं, स्क्वायर के डायगनल बराबर होते हैं, बट इसके डायगनल्स आपस में बराबर नहीं होते हैं, बट दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब यहां पर BO इज इक्वल टू OD होगा और AO इज इक्वल टू OC होगा, ये बराबर होंगे लेकिन ये डायगनल्स की लेंथ आपस में बराबर नहीं होती है, बाकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें पैरेललोग्राम की होती है। यहां पर भी सारी प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये सारे पैरेललोग्राम है, इनमें प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम सब अप्लाई होती है, ठीक है, आपको समझ में आया। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। सो देखिए, सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, एनी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल आई हैव टेकन, यहां पर हम देख रहे हैं कि मैंने एक ऐसा ट्रायंगल, ये दिस इज नॉट अ ट्रेपेजियम बट दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो गिवन है आपका ए बी सी डी is a quadrilateral, ठीक है, और टू प्रूव, आपको प्रूव करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, डायगोनल ज्वाइन कर देंगे ये, ठीक है, ज्वाइन द डायगोनल ए सी। So, अब यहां पर मैंने लिख रहा हूं नंबर के वन इक्वेशन, ये एंगल टू, दिस इज एंगल थ्री, और मैं इसको लिख रहा हूं एंगल फोर, इसको लिख रहा हूं एंगल फाइव, और इसको लिख रहा हूं एंगल सिक्स। नाउ प्रूफ में क्या करना है, आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now in triangle, आप देखिए वो वाला ट्राइंगल लेंगे ADC, in triangle ADC, इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम अगर एड कर देंगे तो हमको मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 360 डिग्री। नाउ हम एंगल 1 और एंगल 6 का पेयर बनाइए, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 6, क्योंकि ये पूरा एंगल ए बन जाएगा, फिर लिखेंगे हम एंगल 2, फिर लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इसका पेयर बना लेंगे, फिर एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ दिस इज एंगल ए प्लस एंगल 2 कितना है, एंगल बी है, और एंगल 3 प्लस 4 कितना है, ये एंगल सी है, एंड प्लस एंगल 5 क्या है, एंगल 5 है डी।
angle D is equal to 360 degree. In this way, you have to prove, we will prove that angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree, and this is called angle sum property of quadrilateral. Okay, it's very easy. Last one, here we take two questions based on the angle sum property of quadrilateral. First question, three angles of a quadrilateral are 56 degree, 115 degree and 84 degree, and you have to find out the fourth angle. So you know that let the fourth angle be X. Let the fourth angle be X. Therefore, 56 plus 115 plus 84 plus X is equal to 360 degree. ठीक है, अब देखिए ये 56 और 84 को अगर आप जोड़ेंगे तो 50 और 80 तो हो गए आपके 130, और 130 और 10 ये हो गया 140. 140 में अगर हम 100 डिग्री जोड़ेंगे तो आएगा 240, और ये पूरा जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 255. सो 255 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री. देयरफॉर x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 255 डिग्री. देयरफॉर जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 105 डिग्री. सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द फोर्थ एंगल बाय यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी. ये तीन एंगल, चारों एंगल का सम 360, तीन एंगल गिवन है, चौथा आपको फाइंड आउट करना है. वेरी इजी, आपने छोटे स्मॉलर क्लासेस में, लोअर क्लासेस में आपने ये पहले से पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर आर इन द रेशियो 2:4:5:7. Then the angle, find all the angles of the quadrilateral. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, let angle जो मैं मान लेता हूं, let the angles are 2x, 4x, 5x and 7x. ठीक है, तो अब इन तीनों का जो चारों का सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री. सो 2x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री. अब ये देखिए, इन दोनों का सबका जो सम होगा, ये हो गया 4 + 2 + 4 = 6, 6 + 5 = 11, 11 + 7 = 18. सो 18x इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री. देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 से जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 20 डिग्री. x की वैल्यू आ गई आपकी 20 डिग्री. अब जो पहला एंगल है 2x, वो हो गया 2 × 18 डिग्री. ठीक है, सो ये आंसर, सॉरी 20 डिग्री, 2 × 20 डिग्री. सो ये हो गया आपका 40 डिग्री. ओके, अब इसके बाद में आपका 4x है, तो ये हो जाएगा 4 × 20 डिग्री, कितना हो गया, 80 डिग्री. और तीसरा है 5x, तो 5 × 20 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री. ओके, डिग्री इज द यूनिट ऑफ एंगल, मैं पहले बता चुका हूं. एंड 7x इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 20 डिग्री, ये हो जाएगा 140 डिग्री. अब देखिए, 140 और 40 का सम 180 हो गया, और 100 और 80 का 180 हो गया, एंड 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री. इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है. इस टाइप का क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा चेंज है इसमें, तो इसी तरीके से आपको वो क्वेश्चन करना है. आप उसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी भी करके लिख सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ स्टूडेंट, वी विल टेक नाउ टू मोर क्वेश्चंस व्हिच इज बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सम टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन व्हिच ए बी इज पैरेलल टू सी डी. ए बी इज पैरेलल टू सी डी. Angle A is equal to 50 degree, angle B is equal to 70 degree, and you have to find out angle C and angle D. Okay, so इसमें देखिए, आपको पता है कि अगर parallelogram ये जो है, ये parallel lines है, trapezium है, तो ये parallel है इसके, तो आप देख रहे हैं कि AB अगर parallel है CD के, तो angle ये और angle C का sum, angle C plus angle B is equal to 180 degree होगा. और एंगल सी की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एंगल बी जो दिया है 70 डिग्री, तो 110 डिग्री माइनस 70 डिग्री आएगा, तो ये होगा 110 डिग्री. सिमिलरली यहां अगर 50 है
ठीक है, सो ये AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं ये, ठीक है। तो अब देखिए आपको एंगल D फाइंड आउट करना है, तो एंगल A जो 50 डिग्री है तो 180 माइनस 50 डिग्री करेंगे तो वो एंगल आएगा 130 डिग्री का। सो इन दिस वे यू कैन यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपेजियम और ये पैरेलल लाइन इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल वाली जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके हम ट्रेपेजियम के भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। दीज आर द सिंपल क्वेश्चंस जो कि आप ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन लिया मैंने, एंगल क्वेश्चन नंबर 4। ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक साइड को बढ़ा दिया गया यहां पर और ये वाली साइड को इधर बढ़ा दिया गया। ये एंगल बी है, ये एंगल ए है और ये पूरा एंगल एक्स है, ये एंगल पूरा वाई है। एंड यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस वाई। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक डायगनल ज्वाइन कर लिया है। अब यहां पर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल में एंगल 1 ले लिया मैंने, यहां एंगल 2 ले लिया, इसको एंगल 3 ले लिया, इसको एंगल 4 ले लिया। ये मैंने अलग अलग एंगल्स कर दिए हैं जिससे आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। तो आप देखिए यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। मतलब एंगल बी जो होगा वो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। सिमिलरली इन दिस ट्राइंगल आप देखिए ट्राइंगल बी डी सी, इस ट्राइंगल में देख रहे हैं तो एंगल ए जो होगा वो होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4। अब देखिए हमको यहां पर इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना, जो प्रूव करना है उसमें क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 और 2 और 3 और 4, यहां देखिए एंगल 1 प्लस 2 कितना है, एंगल x है, ये हो गया a प्लस b इज इक्वल टू x और एंगल 3 प्लस 4 कितना है y, सो ये हो गया आपका y। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दिस क्वेश्चन, ओके, समझ में आया। नाउ स्टूडेंट दिस इज द टाइम फॉर स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और जो कंसेक्यूटिव एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है और ट्राइंगल जो पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, द डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम इन सारी प्रॉपर्टीज को यहां पर प्रूव करेंगे बाय यूजिंग congruent triangle जो आपने अभी इसके पहले वाले वीडियोस में। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, प्रॉपर्टी नंबर 1, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, मैं ऐसे लिख रहा हूं सिंबल में, पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू congruent triangles, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है जिसको मैं अभी यहां प्रूव करने जा रहा हूं, ठीक है। सो यहां पर क्या दिया हुआ है, ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज द पैरेललोग्राम एबीसीडी, ए बी सी डी। पैरेललोग्राम की किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए बाकी की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम यूज करते हैं, ठीक है। सो अगर ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है, यहां पर। अब हमें ये एक डायगनल को प्रूव करना है, ये एक डायगनल है, ये डायगनल प्रूव करना है आपको कि ये डायगनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल सीडीए इन दोनों का, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूव करना है, ठीक है। सो गिवन क्या है आपका, गिवन है एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम एंड एसी इज अ डायगोनल,
ये है आपका गिवन. एंड टू प्रूव, आपको यहां पे प्रूव करना है कि ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीबीए. CBA, ये देखिए, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. इट्स वेरी इजी टू प्रूव दिस बाय यूजिंग एस एस एस. आप इसको प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग एस एस भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंगल इसको देखिए यहां पर कर क्या सकते हैं, एस एस से करेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी बी है और बी सी इज इक्वल टू ए डी है एंड ए सी इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल. तो ये एस 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 से आसानी से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है. दूसरी चीज, इसको ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि AB is equal to CD and angle B is equal to angle D. ये opposite angles बराबर होते हैं, ठीक है, and BC is equal to DA. तो यहां से भी आप ऐसे ऐसे भी इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. इजी रहेगा कि हम ऐसे 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 प्रूव करें, प्रूफ, ठीक है. तो प्रूफ में हम लिखेंगे कि AB is equal to CD. तो इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये लिखेंगे. दूसरा लिखेंगे कि BC इज इक्वल टू DA, अगेन अपोजिट साइड्स, एंड AC इज इक्वल टू CA, ठीक है. ये हो गया आपका कॉमन साइड. देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ठीक है. इसको एंगल साइड एंगल से भी कर सकते थे. देखिए यहां से ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा. दूसरा तरीका ये है कि ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये साइड कॉमन है. सो बाय यूजिंग ए एस ए भी हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते थे, ठीक है. तो जो आपको आसान लगे आप उस तरीके से आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, समझ आया. सो नेक्स्ट थ्योरम इज इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ये एक पैरेललोग्राम ले ले रहा हूं, ठीक है. ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. आपको प्रूव करना है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है. सो हमको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट मतलब ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है और बी सी इज इक्वल टू ए डी प्रूव करना है, ठीक है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी डायगोनल को आप ज्वाइन कर लीजिए. सपोज मैंने ए सी को ज्वाइन कर लिया है, अब ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती ही है, ठीक है. मतलब ये हुआ कि बी सी इज पैरेलल टू ए डी. तो यहां पे हम लिखेंगे कि बी सी, मैं केवल प्रूफ बता रहा हूं, आप इसका गिवन और टू प्रूफ लिख लीजिएगा. सो यहां लिखेंगे बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल. देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, देयरफॉर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. ये हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. सिमिलरली ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है. देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर. मतलब ये हुआ कि ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब देखें हम दोनों ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल लेंगे सी डी ए. आप देख रहे हैं कि एंगल वन इज इक्वल टू है एंगल, सॉरी एंगल टू पहले क्या पड़ेगा, इस तरफ एंगल टू है और वो एंगल वन है, ठीक है. ये हमने प्रूव किया है, प्रूव अबव. देन एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, ये भी प्रूव अबव है और उसके बीच में ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन साइड है. देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल, ओके.
Now we can say that AB is equal to CB. ये देखिए AB is equal to CD and BC is equal to देखिए BC is equal to DA. Therefore BC is equal to DA. ये दोनों चीज हो गई आपकी CP CD से. Therefore we can say that कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर भी होती हैं. ठीक है, समझ में आया आपको. Now student, next theorem is property 3. This is a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. एक quadrilateral है जिसके opposite sides equal है. Now you have to prove that this is a parallelogram. तो अगर हमें parallelogram प्रूव करना होगा तो हम quadrilateral नहीं बना करके उसको parallelogram ही बनाएंगे. ठीक है, लेकिन सपोज करेंगे कि ये एक quadrilateral है. ठीक है, so this is a quadrilateral ABCD. This is a quadrilateral ABCD and you have to prove that it is a parallelogram in which AB is equal to given CD and AD is equal to BC. So prove that this is a parallelogram. ठीक है, so given में आप लिखेंगे ABCD. ये converse theorem है जो मैंने अभी इसके पहले दिन theorem बताई थी उसका. अगर parallelogram के opposite sides equal होते हैं तो अगर हम इसको प्रूव करें कि आप किसी भी quadrilateral के अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो वो parallelogram होगा. ये कन्वर्स है उसका. ठीक है, सो गिवन में है ए बी सी डी इन quadrilateral ए बी सी डी. ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी. टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर देंगे ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके तो बस हो जाएगा. तो मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन करूंगा, ज्वाइन ए सी. अब ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए सी लिख लीजिएगा. अब लिखिए प्रूफ. तो प्रूफ में देखिए आप इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए इन विच ए बी इज इक्वल टू है सी डी के, ये गिवन है. ठीक है, अब इसके बाद आप लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू डी ए, ये भी गिवन है. एंड ए सी इज इक्वल टू सी ए, ये है आपका कॉमन कॉमन साइड हो गए. ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉमन टू ट्राइंगल सी डी ए बाय यूजिंग ए एस एस एस. एस 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 से दोनों ट्राइंगल कॉमन हो गए. अब कॉमन होने से क्या होगा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला एंगल जो होगा ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा. ये देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी. So angle 1 is equal to angle 2. Therefore angle 1 is equal to angle 2 CPCD से and angle 3 is equal to angle 4. ये देखिए ये भी alternate interior angles हो जाएंगे. फिर angle 3 is equal to angle 4, ये हो गया आपका CPCD से. तो अगर angle, since angle 1 is equal to angle 2, therefore we can say that ये angle 1 angle 2 का, तो AD is parallel to BC and angle 3 is equal to angle 4 है alternate interior angle, therefore AB is parallel to, therefore AB is parallel to CD. Therefore we can say that अगर ये side इसके parallel है, ये side इसके parallel है, then only it is called a parallelogram. Hence we can prove that a quadrilateral is a parallelogram if its opposite sides are equal. ठीक है, समझ में आया. By using congruent triangle you can do all the theorems of parallelogram. Oh sorry, quadrilateral. Now student, next property, this is opposite angles of parallelogram are equal. तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल प्रूव करने के लिए हम एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं. ये पैरेललोग्राम ही है और हमें प्रूव करना है कि इसके अपोजिट एंगल्स बराबर है. सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच यू हैव टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. ये आपको यहां पर प्रूव करना है.
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप देखिए इसका प्रूफ गिवन एंड टू प्रूफ में आप लिखेंगे पैरेलल एबीसीडी से पैरेललोग्राम, और टू प्रूफ में लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, बस इतना ही लिखना है। तो अब प्रूफ में देखेंगे, आप देख सकते हैं कि एडी इज पैरेलल टू बीसी एंड ये देखिए एबी इज ट्रांसवर्सल, एबी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है, समझ गया। अब देखिए, अब ये पैरेलल है इसके और ये ट्रांसवर्सल है, ये देखिए ये पैरेलल है इसके और ये है ट्रांसवर्सल। नाउ ए बी इज पैरेलल टू सी डी बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम एंड बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, मैं केवल ट्रांसलेट के छोड़ दिया। देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ओके, सप्लीमेंट्री होते हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जब ये एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये और ये आप देख सकते हैं। सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी कैन इक्वेट, सो एंगल ए प्लस एंगल बी is equal to angle B plus angle C. So angle B is gone, subtract हो जाएगा, therefore we can say angle A is equal to angle C. Similarly we can prove that angle B is equal to angle D. तो angle B और angle D को prove करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसका sum 180, फिर इसका sum 180 degree करके हम उसको भी prove कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप table देखेंगे, similarly we can prove angle B is equal to angle D. ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, ओके, समझ में आ गया आपको। लास्ट स्टूडेंट, लास्ट प्रॉपर्टी फॉर टुडे होगी, उसके बाद बाकी की प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। यहां पर देखिए, ये प्रूव करना, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ इट्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स बराबर है तो प्रूव करना कि वो एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। सो यहां पर मैं ले रहा हूं एक क्वाड्रिलेटरल, सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, अब क्योंकि हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मैं इसको पैरेललोग्राम जैसा बना रहा हूं। सो ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यहां पर है आपका गिवन में लिखना होगा, ये कन्वर्स है जो इसके पहले वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, उसका ये कन्वर्स है, मतलब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो वो पैरेललोग्राम होगा, ये यहां प्रूव करना है, ये उसका कन्वर्स है, ठीक है। सो गिवन में है एबीसीडी, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये आपको गिवन है, ठीक है, आपको प्रूव करना इन विच एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, इन विच ये भी गिवन में है। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे, आप देखें यहां पर देखिए ये और ये और ये एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो प्रूफ में आपको लिखना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, ओके। अब देखिए, अब एंगल ए किसके बराबर है, एंगल सी है, और एंगल ए और एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है, तो मैं लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। So you can say that twice of angle A plus angle B is equal to 360 degree. Hence angle A plus angle B is equal to 180 degree. Now these are the, क्या है ये, co-interior angles है. Angle A plus angle B कितना हो गया, 180 degree हो गया. Therefore we can say that these are the
co-interior angles. Angles on the same side of the transversal. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये parallel lines हैं. ये दो lines हैं जिनको ये transversal intersect कर रही है. Such that the co-interior angles are equal, then only we can say that AD is parallel to BC. Similarly, we can prove that AB is parallel to CD. ठीक है, so in this way you can say that this quadrilateral is a parallelogram if its opposite angles are equal. So that's enough for today. Okay, now next जो video मिलेगा आपको मैं दूंगा, भेजूंगा मैं, तो वो उसमें आपको और जो properties हैं वो देखेंगे और कुछ अच्छे questions देखेंगे इन्हीं properties पर based. Okay, see you in the next video.